हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। आपको बताने वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आते जा रहे हैं। कंटिन्यू आपको सबसे पहले हर एक जानकारी मिल रही है। उसी प्रकार से 22 जिलों के अंदर एक न्यू भर्ती आई है। 22 के जो भी जिले से बिलोंग करता है, 22 के 22 जिलों से अगर जिस जिले में ये नौकरी आ रखी है स्वास्थ्य विभाग में, अगर उस जिले में आप जाकर वहां पर काम कर सकते हैं तो बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भर लेना। फॉर्म किस प्रकार से आपको पूरी जानकारी देंगे। सिलेक्शन आपका इसमें पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, नॉर्मल सा एक पेपर होगा। जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है पूरी की पूरी कहानी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी कि कौन से स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की जॉब आ रखी है। सबसे पहले आपको हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर देखने को मिल जाती है। कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे, 40 पर, 50 पर, 55, 60, 65 नंबर पर, कितने कितने नंबर पर कौन कौन सी पोस्टें मिल जाती है वो भी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो जो भी मेरे भाई और बहन आज हमारे पहली बार अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी भाई और बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले अपडेट जो भी होंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कोई भी भर्ती आएगी कोई भी किसी भी जिले में, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब्स के YouTube चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो 22 जिले से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करता है, जिस जिले में ये नौकरी आ रखी है स्वास्थ्य विभाग की, जहां पर वो काम कर सकता है, जिस प्रकार से फॉर्म भरने के बारे में आपको डिटेल से हम जानकारी देने वाले हैं तो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें आपको पूछनी हो, कभी भी मुझे कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन वहां पर आपको सबसे पहले मिलेंगे। कोई डाउट होता है, कुछ भी चीजें आपको पूछनी हो, बिल्कुल आराम से मुझे कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम पर जो मैसेज करता है हम उसके भी रिप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई और बहनों जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं वो आप सभी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और स्वास्थ्य विभाग में जहां नौकरी आ रखी है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं कि डिस्ट्रिक्ट आयुष जो सोसाइटी हिसार के अंदर है, आप सभी को पता है आयुष विभाग के अंदर जॉब आ रखी है, जिसके अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर, योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आ रखी है। टोटल पोस्ट इसमें 42 आ रखी है। अगर इन 42 पोस्टों के अंदर आप हिसार में लगना चाहते हैं, हिसार के अंदर जो भी स्टूडेंट रहकर काम कर सकता है हिसार जिले में, हरियाणा के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, अगर हिसार के अंदर आप काम करना चाहते हैं हिसार में रहकर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, योगा की पोस्ट आ रखी है। और आपके जिले में भी इस प्रकार के जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई भी जॉब आती है तो आपके जिले की जानकारी इसी प्रकार से हम देते हैं। इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे आपके जिले के भी। टोटल वैकेंसी इसमें 42 आ रखी है। लास्ट डेट इस भर्ती की 7 मार्च रखी गई है। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा के अंदर रहेगी हिसार में, और जिसके ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका यहां पर sirsa.gov है, यहां आप भर लेना कि आपका जो isar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लेना। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, जो भी ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहता है मेरा भाई भर सकता है। सिरसा जिले के अंदर भी इस प्रकार की जॉब आती रहती है, तो इन सब की ऑफिशियल वेबसाइट sirsa.gov.in भरेंगे तब भी वहां पर आपको इशार का पूरा जो फॉर्म है वहां से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मेरे भाई गुरु बहनों आपकी जो भी ऑफलाइन जो फॉर्म आते रहते हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं, वहां से बिल्कुल आराम से प्रिंट आउट निकाल लिया करो, अपने फॉर्म भर लिया करो, नहीं तो आप किसी भी साइबर कैफे वाले से भी ले सकते हैं। अप्लाई स्टार्टिंग डेट क्या था, 26 फरवरी से फॉर्म शुरू हो गया था। लास्ट डेट इस भर्ती की 7 मार्च रखी गई है। 7 मार्च तक जो फॉर्म भरना चाहता है बिल्कुल आराम से अप्लाई कर लेना। टाइपिंग एंड रिटन टेस्ट आपका 10 मार्च को रखा गया है, मात्र 3 दिन के बाद, लास्ट डेट के 3 दिन के मार्च आपका 10 मार्च को रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और टाइपिंग करवाया जाएगा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन पोस्टों के लिए। आपका एंट्री होगा 11 मार्च को। इस भर्ती के अंदर आपका नॉर्मल सा रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, उसके अंदर ही 11 मार्च को अगले दिन ही आपका एंट्री होगा। जो इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा उन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर लगना चाहता है बिल्कुल आराम से फॉर्म भर लेना। जनरल ओबीसी आप किसी भी कैटेगरी से पूरे हरियाणा के जो भी भाई और बहन बिलोंग करते हैं सबका इसमें 0 रुपए लगने वाला है, आपको एक भी पैसा कहीं पर पे नहीं करना है। एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा आपकी एज है तो भी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इसमें मिल जाती है। फॉर्म आपको ये वाली पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट है, मैं आपको आज ही बता देता हूं, और योगा इंस्ट्रक्टर जो भी मेरी बहनें लगना चाहती है, योगा डिप्लोमा आप सभी के पास में है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुन पा रहा है तो 41 पोस्ट आ रखी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट आ रखी है। काफी मेरे पास में मैसेज आते रहते हैं, कोई भाई अगर सुन पा रहे हैं, अगर उसकी वाइफ है उसकी
बहन है, उसकी माताजी है, जिनके पास में योगा इंस्ट्रक्टर का डिप्लोमा है, बिल्कुल आराम से आप उनका फॉर्म भरवा सकते हैं। 41 पोस्ट आ रखी है। हिसार जिले के अंदर आपको पता चल जाता है कि डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार के अंदर ये फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट जो भी क्वालिफाई करेगा उसके बाद में उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसके साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी लगाकर डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार के अंदर आपको फॉर्म जमा करवा देना है 7 मार्च तक। जो भी स्टूडेंट 7 मार्च तक फॉर्म जमा करवाएंगे, 8 और 9 तारीख का उनका लिस्ट जारी हो जाएगा, 10 तारीख का उनका रिटर्न एग्जाम होगा। जो भी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको 11 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो हमेशा सबसे पहले हर एक जानकारी प्रोवाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सभी भाई ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस प्रकार के आपके जिले के अंदर भी जॉब्स आएंगे, आपको भी इसी प्रकार से सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, जाते जाते एक प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करते जाना। जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।